तो हे गाइस, वेलकम बैक टू माय चैनल। दोस्तों, आज का वीडियो आपके लिए बहुत ही खास होने वाला है, तो बने रहे वीडियो के एंड तक। और जो क्रिकेट के दीवाने चैनल पर पहली बार आए हैं, चैनल को लाइक और सब्सक्राइब करना न भूले। चलिए शुरू करते हैं। पूर्व बाएं हाथ के स्पिनर मनिंदर सिंह और सलामी बल्लेबाज शिव सुंदर दास भारत के लिए 20 से अधिक टेस्ट मैच खेलने के अनुभव के साथ ही राष्ट्रीय चयनकर्ताओं के पदों के लिए आवेदन करने वाले दो प्रमुख नाम थे। पूर्व तेज गेंदबाज अजीत आगरकर ने आवेदन किया है या नहीं, इसकी पुष्टि तो नहीं हो सकी है। कई अपडेट के अनुसार आगरकर आवेदन किया है तो उनके पास अपनी अंतरराष्ट्रीय साख के साथ चयन समिति के अध्यक्ष बनने का एक शानदार मौका है कि मुंबई की सीनियर टीम के मौजूदा अध्यक्ष सलिलन पुला। पूर्व कीपर समीर दिघे और तेज तर्रार विनोद कांबली ने मुंबई से आवेदन किया। दोस्तों, नए पैनल के लिए आवेदन की तारीख सोमवार को शाम 6 बजे समाप्त होने के बाद ये कहा जा रहा है कि 50 से अधिक लोगों ने आवेदन किया है, लेकिन बहुत अधिक दिग्गज मैदान में नहीं है। पुष्टि किए गए आवेदकों में मनिंदर ने 35 से अधिक टेस्ट मैच किसी ने नहीं खेले हैं, जबकि दास इस सूची में दूसरे स्थान पर हैं। और इंटरव्यू राउंड के लिए क्वालिफाई करने के बावजूद उन्हें चेतन शर्मा ने पीछे छोड़ दिया, जो मदन लाल की अध्यक्षता वाली पूर्ववर्ती क्रिकेट सलाहकार समिति कैक की पसंद थे। वास्तव में चेतन ने मनिंदर की तुलना में कम मैच खेले थे, लेकिन काठी के लिहाज से दोनों लगभग एक ही श्रेणी के थे। मनिंदर सिंह ने पुष्टि की है कि उन्होंने आवेदन किया है। जानकार सूत्रों ने पुष्टि की है कि दास, जो वर्तमान में पंजाब टीम के सीनियर बल्लेबाजी कोच है, उन्होंने आवेदन किया है, लेकिन इसकी पुष्टि नहीं हुई है कि दास का गृह राज्य ओडिशा उनकी उम्मीदवारी का समर्थन करेगा या नहीं। पिछली बार पसंदीदा होने के बावजूद आगरकर को काम नहीं मिला क्योंकि पूर्व एमसीए शासन ने उनका समर्थन नहीं किया था। और दोस्तों, उत्तर भारत से मनिंदर के अलावा अतुल वासन, निखिल चोपड़ा, अजय रत्ता और रितेंद्र सिंह सोढ़ी भारत के पूर्व खिलाड़ी हैं, जिन्होंने अपनी टोपी रिंग में फेंक दी है। और यही पूर्वी क्षेत्र से दास को छोड़कर अन्य नाम वास्तव में हल्के हैं। इनमें ओडिशा से प्रभंजन मूल, रश्मि रंजन परिदा, बंगाल से सुब्मे दास, सरदेन्दु मुखर्जी और सौराशीष लाहिरी शामिल हैं। दीप दास गुप्ता और लक्ष्मी रतन शुक्ला, जो कि वर्तमान में बंगाल की कोच हैं। और दोस्तों, भारत के दो पूर्व खिलाड़ी ने आवेदन किया है और माना जा रहा है कि सेंट्रल जोन से मध्य प्रदेश के अमय खुर्सिया और उत्तर प्रदेश के ज्ञानेंद्र पांडे ने आवेदन किया है, जबकि कोई लिखित नियम नहीं है। बीसीसीआई आमतौर पर समान वितरण के सम्मेलन में विश्वास करता है और इसलिए हाल के दिनों में 5 जूनियर और 5 वरिष्ठ चयनकर्ता 10 अलग अलग राज्यों से रहे हैं। तो जूनियर चयन समिति में तमिलनाडु से एशर और बंगाल से रणदेव बोस और एमपी से हरविंदर सोरी, पंजाब से कृष्ण मोहन और गुजरात से पतिक पटेल एक है। इसलिए यह उम्मीद की जा रही है कि इन 5 राज्यों के उम्मीदवारों को बाहर रखा जा सकता है। और तमिलनाडु से ए शिवराम कृष्णन और डब्ल्यू वी रमन जैसे प्रमुख नामों ने आवेदन नहीं किया है। हालांकि हैदराबाद के पूर्व ऑफ स्पिनर कवलजीत सिंह ने दक्षिण क्षेत्र के उम्मीदवार के रूप में नौकरी के लिए आवेदन किया है। दोस्तों, आज के लिए इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। और दोस्तों, वीडियो कैसा लगा कमेंट में जरूर बताएं, और ऐसे ही नए नए अपडेट पाने के लिए चैनल को लाइक और सब्सक्राइब करें। थैंक्स फॉर वॉचिंग।